सर्वाधिक महत्वपूर्ण। वन आरंभ से ही मानव विकास का केंद्र रहा है। वनों के बिना मानव जीवन व विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी के चलते वनों का संरक्षण और संवर्धन करना बेहद आवश्यक है। इसी जरूरत को समझते हुए विश्व वन महोत्सव सप्ताह हर वर्ष जुलाई माह के प्रारंभिक सप्ताह में मनाया जाता है। इसी के तहत भारत देश की पृष्ठभूमि को समझें तो वर्ष 1952 से वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष जुलाई माह के शुरुआती सप्ताह में ये सप्ताह मनाया जाता है। वृक्षारोपण को समर्पित ये सप्ताह और हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा लगातार वर्ष भर इस दिशा में प्रयास किए जाते रहे हैं, लेकिन वन विभाग हिमाचल प्रदेश वन महोत्सव सप्ताह के दौरान विशेष तौर पर क्या क्रियाकलाप कर रहा है, इसे जानने के लिए आज हम वन विभाग हिमाचल प्रदेश के हेडक्वार्टर पहुंचेंगे, जहां आला अधिकारियों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए वन विभाग द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है, क्या क्या क्रियाकलाप कराए जा रहे हैं। डीडी हिमाचल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही वन महोत्सव मनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वन महोत्सव एक ऐसा उत्सव है जिसमें कि कोई निर्धारित तिथि को एक ही दिन हम ये कार्यक्रम नहीं करते हैं, बल्कि ये हमारे जो कार्यक्रम हैं अलग अलग स्तरों पे, अलग अलग ज़िलों के स्तर पे, कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्तर पे या स्टेट के स्तर पे, गांव के स्तर पे, स्कूलों के स्तर पे मनाए जाते हैं और पूरी तरह से फ्लेक्सिबल कार्यक्रम है। हम उम्मीद करते हैं कि जनमानस इस प्रदेश के हरित कवर को बढ़ाने के लिए अपना सहयोग दे, आगे आए। वन विभाग तो इसमें कार्यकर्ता ही है, लेकिन जब तक आम नागरिक, आम जनता, पंचायत के लोग हमसे नहीं जुड़ेंगे तो हम अपने मिशन में पूरी तरह से खरे नहीं उतर पाएंगे। इस बार जो हमने वो चुना है, आपने थीम पूछी थी, इस बार हमारी थीम है हिमाचल की, एक तरह से यूं कहें कि गंजी पहाड़ियों को, जो भी अभी कुछ इलाके हमारे ऐसे हैं जहाँ पे जंगल नहीं है, वन नहीं है, उनको पूरी तरह से हरित कर देना अगले कुछ वर्षों में। वन महोत्सव दिवस को या सप्ताह को हम इस्तेमाल करते हैं लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, लोगों को आमंत्रित करते हैं कि वो आए, पौधे लगाएं। तीसरा हमारा उद्देश्य रहता है कि अगर लोग अपने घर के आसपास, अपनी पंचायत के आसपास, अपनी ज़मीन पे, खाली ज़मीन पे, शामलात की ज़मीन पे, चरागाह में पौधे लगाएं, तो उनको इससे आगे आने वाले वर्षों में लाभ मिलेगा। इसके अलावा बच्चों को, विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं, उनके लिए हम छोटे छोटे कार्यक्रम जैसे डिबेट, डिक्लेमेशन, क्विज कॉम्पिटिशन, ये सब भी वन महोत्सव सप्ताह में या वन महोत्सव दिवस में शामिल करते हैं। और क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो आज के बच्चे हैं यही कल के रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने वाले हैं, तो अगर बच्चों के मन में परिवर्तन हम ला पाए, जागरूकता बढ़ा पाए, तो ज़िंदगी भर जो है वो हमेशा उनके साथ रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में हमारे पास वनों में आग की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। वर्ष 2023 की बात करें तो इस बार प्रकृति की कृपा से बारिश बहुत हुई, लगातार मई जून के महीने में भी, अप्रैल के माह में भी, तो वो आगजनी की घटनाएं बहुत कम हुई हैं। इस बार पूरे प्रदेश में कुल 40 केवल आग की घटनाएं हुई हैं, जबकि ये पिछले कुछ वर्षों में हज़ारों में संख्या पहुंच जाती थी। चील की जो प्रजाति है उसकी पत्तियां ज्वलनशील होती हैं, वो हमारे बहुत बड़े क्षेत्र में चील का वन फैले हुए हैं और इसीलिए ये आग की घटनाएं होती हैं। आग की घटनाओं का मुख्य कारण जो हम देख पाए हैं वो है, एक तो नेग्लिजेंस जिसे कहते हैं, भूल से आग में कहीं कोई बीड़ी सिगरेट फेंक दी, चला दी, कुछ जानबूझ के भी आग की घटनाएं की जाती हैं। और सबसे अधिक जो मुख्य कारण रहा है वो ये रहा है कि लोगों के जो ज़मीनें हैं और सरकारी जंगल आसपास में लगते हैं, लोग अपनी ज़मीनों में आग लगाते हैं, घासनी में आग लगाते हैं ताकि अच्छी बारिश के बाद अच्छी घास आए, तो और अक्सर वो आग जो है सरकारी जंगल में पहुंच जाती है।
फिर भी ये बताना चाहूँगा कि हिमाचल अन्य प्रदेशों के मुकाबले में हमारा रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। हमारे यहाँ कोई भी आग की घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में भी ऐसी नहीं रही हैं जो कई कई दिन तक चलती रहीं। लगभग सभी 99% केसेस में हमने आग में 6 घंटे के अंदर अंदर उस पर काबू पाया है। हमारा स्टाफ भी अलर्ट रहा है और लोगों का सहयोग भी हमें मिलता रहा है। जहाँ तक भूस्खलन की बात करें, हमारी प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हमारी स्लोप वाला इलाका है, जहाँ नदियाँ हैं और जहाँ जहाँ थोड़ा वनों में कमी आई है तो भूस्खलन वहाँ देखा गया है। शिमला में चौपाल रोहड़ू के कुछ क्षेत्रों में भूस्खलन की काफ़ी घटनाएं जो हैं वो सामने आई हैं। और जहाँ तक विभाग के पास उसके पास वर्किंग प्लान होती है, उसके पास जो बजट की उपलब्धता होती है, उसको देखते हुए हम इनमें भू संरक्षण के कार्य जो है वो करते रहे हैं। चील का जो पेड़ है, वन विभाग लगभग पिछले 3 दशक से उसको पौधा नहीं रोपित करता है और अब तो हमारी नर्सरी में ये पौधा मुश्किल से ही मिलता है। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ वर्षों में जो हमारे बहुत सारे ऐसे चरागाह थे जहाँ कुछ भी वन संपदा नहीं थी या पेड़ नहीं थे, तो वहाँ चील की प्लांटेशन हम विभाग द्वारा की गई थी और बड़ी सक्सेसफुल भी रही है। लेकिन इसके अपने नुकसान भी है क्योंकि इनके जंगलों में आग लगती है और ये ड्राई क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमारे पास पिछले कुछ वर्षों से हम ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं कि जो धीरे हमारे जो चील के जंगल हैं उनको हम धीरे धीरे चौड़ी पत्ती वन या मिश्रित वन में बदलें। ये कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि फॉरेस्ट्री या वानिकी एक अलग चीज़ है, इसमें बहुत साल लगते हैं, ये एग्रीकल्चर नहीं है। तो ये जो बदलाव है ये धीरे धीरे होगा। हम मुख्यतः बान प्रजाति के पेड़ जो हैं उनको चील के साथ मिश्रित वन में लगा रहे हैं और कोशिश ये है कि एक बैलेंस मेंटेन हो जाए ताकि आग की घटनाओं पे भी कमी आए। और दूसरा, जो बान है वो बड़ी इस्तेमाल में आने वाली प्रजाति है, उसके पत्ते जो हैं वो लकड़ी भी बहुत अच्छी इस्तेमाल होती है और उसके पत्ते जो हैं वो फॉडर के रूप में भी बहुत अच्छे इस्तेमाल में लाए जाते हैं। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, चाहे वो वन महोत्सव का हो, वन्य जीव संरक्षण का सप्ताह हमारा चलता है। इसके अलावा हमारी जो एक्सटर्नली एडिड प्रोजेक्ट्स हैं, वित्त पोषित जो बाह्य वित्त पोषित जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें बहुत एफर्ट हमारा रहा है। चाहे जायका प्रोजेक्ट की बात करें, IDP प्रोजेक्ट की बात करें, KFW द्वारा वित्त पोषित प्रोजेक्ट की बात करें, कि जहाँ पर कि कम्युनिटीज़ के साथ ही माइक्रो प्लान बनाने की बात कही गई है, उनके वही लोग ये बता रहे हैं कि उनके गांव के आसपास उनको किस तरह के वन चाहिए, वो किस तरह वन में सहयोग कर सकते हैं और वन विभाग से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। तो मिलजुल कर ही हम लोगों को आगे बढ़ना है। समाज का हम भी हिस्सा हैं, वो लोग भी हिस्सा हैं और ये वन विभाग के वन नहीं हैं, ये इसी सोसाइटी के वन है, इन्हीं जो यहाँ के लोग हैं उन्हीं के वन है। और हमारी उम्मीद यह है कि वो इस बात को आपके माध्यम से, इस संदेश के माध्यम से समझेंगे और जैसा हमारा प्रदेश हरा भरा रहा है इसको और आगे हरा करने में उन लोगों का सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा। हमारे को सहयोग में कभी कमी नहीं आई। इसका एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण ये देता हूँ कि जो हमारी फायर अलर्ट सिस्टम है उसमें हमारे जितने लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं उन सब के मोबाइल नंबर वहाँ दिए गए हैं, लेकिन हिमाचल ही एक ऐसा स्टेट है जिसमें कि 50,000 आम जनता के लोगों ने भी अपने मोबाइल नंबर रजिस्टर कराए हैं, ये अलर्ट उनको भी जाता है। इसी से पता लगता है कि लोग यहाँ वनों की सुरक्षा में कितना अहम रोल अपने आप के लिए देखते हैं और विभाग को सहयोग करने में तत्पर रहते हैं। कोई घटनाएं ऐसी होती हैं जहां पर कि कोई वन काटू जंगल में जाके जंगल को नुकसान पहुंचाता है तो भी तुरंत हमारे पास लोग जो है सूचना देते हैं और सहयोग, चाहे जंगली जानवर के मारे जाने पे हो या मृत पाए जाने पे हो, हमें लोगों का सहयोग पूर्ण रूप से मिलता रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी मिलता रहेगा। हमारे पास जो
पिछले कुछ सालों का आंकड़ा ये बताता है कि लगातार वनों की संख्या में वृद्धि हुई है। लगभग पिछले 20 साल में 100 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा हिमाचल में वन बढ़े हैं। और इस वर्ष और अगले वर्षों में जैसा कि सरकार द्वारा टारगेट दिया गया है या एक मेन प्रायोरिटी के तौर पे लिया गया है, एक मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन जो है वो इस साल से शुरू किया गया है, जिसमें कि जो ऐसे इलाके हैं जहां अभी पेड़ नहीं है, जहां वन उपज नहीं है, उनको भरने के लिए गंजी पहाड़ियों को पूर्ण रूप से कवर करने के लिए यह मिशन चलाया जाएगा और अगले कई सालों तक यह मिशन कार्य करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जैसे जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां वनों की उत्पत्ति करना मुश्किल है प्राकृतिक कारणों से, उनके ऊपर खास टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके भी वन उगाए जाएंगे। अक्सर हम लोग वनों को केवल पेड़ों से देखते हैं, जबकि वन जो है अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। इसमें घास भी है, श्रब भी है, हर्ब्स भी हैं और पेड़ भी हैं। इसमें लताएं भी हैं, शाखाएं भी हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम सिर्फ पेड़ों की तरफ ही ध्यान ना दें। नंबर वन तो हम पेड़ों में जो वैरायटी है उसकी संख्या बढ़ा रहे हैं। दूसरा, हम रेयर और एंडेंजर्ड एंड थ्रेटन्ड स्पीशीज, खासकर जो हमारे वन औषधि हैं, पौधे हैं, उनको भी बढ़ाने के लिए हमारे विभाग कार्यरत है, खासकर प्रोजेक्ट क्षेत्रों में। हमारे पास एक सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि पांगी क्षेत्र में चलता है और लाहौल क्षेत्र में चलता है। वहाँ पर भी एक और प्रोजेक्ट भी हम लोग चलाते हैं, जिसमें कि हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि जितने भी हमारे मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स हैं, इनकी संख्या में वृद्धि हो। ऐसी स्कीमें पहले भी चलाते रहे हैं और हिमाचल प्रदेश वन औषधीय उत्पादन में एक मुख्य भूमिका निभाता रहा है और एक कोशिश ये है कि लोगों को इसमें सहयोग मिले, हम उनको प्लांट मटेरियल भी अवेलेबल करा पाएँ। इसमें और भी कुछ हम कार्य कर रहे हैं ताकि जो यहाँ पर वन औषधीय पौधे होते हैं उनका संरक्षण भी किया जा सके। लगाना भी एक ज़रूरी है और संरक्षण करना भी ज़रूरी है। नेचुरल रीजनरेशन जितनी होगी उतना अच्छा जो है वो इकोसिस्टम को हम मैनेज कर पाएंगे। प्रदेश में जैसा मैंने पहले भी कहा कि वनों की संख्या में लगातार वृद्धि हम लोग देख रहे हैं, जबकि बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स की वजह से जंगलों को अपरिवर्तित भी करना पड़ता है। इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट जंगलों की संख्या में वृद्धि हो रही है, ये विभाग के अच्छे कार्यकुशलता को भी दर्शाता है और लोगों के सहयोग को भी दर्शाता है। तो आज फिर से इसी वन महोत्सव के अवसर पे लोगों से, आम जनता से, हमारे मित्रों से, सहयोगियों से, वन विभाग के कर्मचारियों से उम्मीद करना चाहूँगा कि वो अपना सहयोग हमेशा हमें देते रहेंगे। हमारे पास विभाग जो है मल्टीवेरियस काम करता है। पिछले कुछ वर्षों से हम लगातार लगभग 15,000 हेक्टेयर भूमि पर पौधरोपण करते आ रहे हैं और लगभग 80 लाख से लेकर 1 करोड़ पौधे हम हर साल रोपित करते आ रहे हैं। इस बार भी हम लगभग ऐसे ही कुछ टारगेट लेके चले हैं और हमारी कोशिश है कि इस बरसात जो अभी हो रही है इसका पूर्ण रूप से हम फ़ायदा उठाएंगे। और हमारे पास नर्सरियों में लगभग 628 नर्सरीज हैं, उनमें हमारे पास 1.25 करोड़ रुपए पौधे हमारे पास तैयार हैं पौधरोपण के लिए। और इस वर्ष भी जो हमारा टारगेट है वो हम पूरा करने में तत्पर हैं। वन है तो जीवन है, तो इससे बड़ा संदेश तो शायद मैं नहीं दे पाऊँगा। यहाँ के प्रदेश की आम जनता इस चीज़ को अच्छी तरह समझती भी है, हमें सहयोग भी देती है। और ये बात सही है कि बहुत सारी डेवलपमेंट की नीड्स भी होती हैं, सड़कें भी चाहिए, पुल भी चाहिए, हॉस्पिटल के लिए बिल्डिंग्स भी चाहिए और अक्सर उसके लिए वनों की ज़मीन ही केवल उपयोग में लाई जा सकती है। लेकिन वन जितना भी हमारे पास बचा क्षेत्र है वो हम चाहते हैं कि घना वन रहे ताकि लोगों को अच्छी जलवायु मिले, क्लाइमेट रेगुलेशन हो और ये प्रदेश जो है अपनी वनों की खूबसूरती की वजह से टूरिज्म को आगे बढ़ावा देता है। तो इसी रास्ते पे ये प्रदेश हमेशा आगे चला रहे हैं। जैसा कि सब जानते हैं, हम जुलाई के
महीने में हर वर्ष वन महोत्सव मनाते हैं। वन महोत्सव वृक्षारोपण का एक वार्षिक उत्सव है और अगर इसके इतिहास को देखें तो वैसे तो हमारे पुराणों में भी वनों की और वृक्षों की पूजनीय स्थान दी गई है, पर रीसेंट पास्ट में सर्वप्रथम श्री M.S. रंधावा, जो एक इंडियन सिविल सर्वेंट थे, एक हिस्टोरियन भी थे और बोटेनिस्ट भी थे, उन्होंने 1947 में ये प्रथा वन महोत्सव की आरंभ की। उसके बाद कुछ वर्षों तक यह प्रथा चलती रही और औपचारिक रूप से सन 1950 में श्री K.M. मुंशी, जो तत्कालीन फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको एक जुलाई के प्रथम सप्ताह में औपचारिक रूप से मनाने का ऐलान किया और तब से हम इसको मना रहे हैं। वन महोत्सव का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य ये है कि वन संरक्षण के प्रति जन भागीदारी सुनिश्चित करें, एक अवेयरनेस फैलाएं, और इस दौरान जब हम ये महोत्सव मनाते हैं तो पूरे माह में, चाहे वो सरकारी संस्थाएं हों, गैर सरकारी संस्थाएं हों, NGOs या महिला मंडल, युवक मंडल, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स, सभी मिलकर अपनी भागीदारी देते हैं इसमें और पौधे लगाते हैं। जो वन विभाग है ये भी लोगों की साझेदारी के साथ हर वर्ष वृक्षारोपण का कार्यक्रम करता है। इस साल भी लगभग 11,000 हेक्टेयर भूमि पे हमें वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा है और हमारी एक 250 हेक्टेयर में एक्सक्लूसिव मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन, वो जो बैरन हिल्स हैं उन पे हम अंडरटेक करेंगे। इसके अलावा अलग अलग स्कीमों में, चाहे वो प्लान की स्कीम है या NPV की स्कीम है, बैकवर्ड एरिया सब प्लान की स्कीम है, कैंपा की स्कीम है, या हमारे जो विभिन्न परियोजनाएं जो स्टेट में चल रही हैं, KFW की, जाइका की, उनमें भी हम पौधरोपण का काम करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में जलवायु परिवर्तन से बहुत मौसम में बदलाव आया है। कहीं अतिवृष्टि, कहीं अल्पवृष्टि, कहीं बेमौसम बरसात, इन सभी पे हमारा छोटा सा प्रयास जो वन महोत्सव के माध्यम से जाता है, इन सभी पे फोकस करता है। तो हमें चाहिए कि वन महोत्सव के इस अवसर पे अपना महत्वपूर्ण योगदान दें और वन प्रबंधन का एक प्रभावी ढंग से आज करें, ताकि हमारी जो भावी पीढ़ी है वो इन वनों से लाभ पा सके। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आज का पर्यावरण सही तरीके से अपने अगली पीढ़ी को सौंपें। तो आज आपके माध्यम से मैं ये आह्वान करना चाहूँगा कि आप सब अपना अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान पौधरोपण के रूप में वन महोत्सव के समय दें और इसका एक हिस्सा बने और पृथ्वी को और सुंदर और हरा भरा करें। वनों का हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि ह्यूमन बींग जो है, हमारे जो जितने भी सोलर सिस्टम है उसमें एकमात्र अर्थ ऐसी है जहाँ पे जीवन संभव है। तो भले ही ह्यूमन बींग ने पूरी अर्थ को क्या आज के डेट में कंट्रोल किया है, बट इसमें रोल क्या है, हर एक स्पीशीज का इम्पोर्टेंट रोल है। तो अगर हम आपसी तालमेल के साथ चलेंगे तो तभी इंसान क्या सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि वनों का एक बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो हमारी डे टू डे जो डेली एक्टिविटीज़ है
या ऑक्सीजन के रिगार्डिंग हो, या जो हमारे को वनों से उत्पाद मिलते हो, चाहे आप जड़ी बूटियाँ लो या ईंधन लो, इसमें भी बल्कि वनों का बहुत बड़ा रोल है। बट आज की डेट में हम देख रहे हैं कि जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है डे बाई डे और वनों का क्या भारी मात्रा में कटाव हो रहा है, तो एक बहुत बड़ी मतलब कि दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं इन फ्यूचर। जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्री जो जल स्तर बढ़ रहा है, तो इसको रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम को, जो अर्थ का सिस्टम, इसको बैलेंस बनाए रखने के लिए क्या हमको वनों को संरक्षित करना पड़ेगा और प्लांटेशन पे बढ़ावा देना पड़ेगा, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है या डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है, इसको कंट्रोल किया जा सके, ताकि एक बैलेंस बना रहे। तो वनों का एक बहुत बड़ा रोल है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, इवन ये एक पर्टिकुलर किसी कंट्री का ये मैटर नहीं है, ये एक ग्लोबल का नाम बन चुका है आज के डेट में। तो पूरी दुनिया को इस पर थोड़ा सा एक्टिव होके इस पर एक एक्टिव इनिशिएट लेना होगा। जैसे तो हमारे को प्लांटेशन करनी पड़ेगी, और प्लांटेशन भी हमारे को इसी हिसाब से करनी पड़ेगी, जैसे सीजनल प्लांट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे एक्चुअल में क्या होता है आज की डेट में, जैसे पूरे वर्ल्ड वाइड क्या प्लांटेशन तो हो रही है, पर हम इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे कि भाई किस प्लांटेशन का कौन सा सीज़न है। मान लो कोई प्लांट कोई सर्दी के मौसम में लगता है या कोई बरसात के मौसम में लगता है, तो गवर्नमेंट को या जब भी हमारे कोई एनवायरनमेंट साइंटिस्ट वगैरह हो या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वगैरह हो, तो उनको ना प्लांटेशन उसी हिसाब से करनी चाहिए, जिससे वो प्लांट क्या है, भले ये मतलब कागजों तक सीमित ना हो ये चीज़ें क्या धरातल में या व्यवहारिक जीवन में भी ये चीज़ें देखने को मिले, तो तभी मतलब कि वनों को क्या प्रॉपर वे में संरक्षित करना पड़ा। और एक हमारे को जो एजुकेशन है, एजुकेशन के साथ हमारे को सैद्धांतिक एजुकेशन के साथ साथ व्यवहारिक एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा। आज की डेट में क्या होता है, भले हम एनवायरमेंट के रिगार्डिंग एजुकेशन तो दे रहे हैं, पर क्या हमारी जो यंग जनरेशन है या जो स्टूडेंट्स वगैरह है, वो एक्टिव है उस चीज़ में, क्या उनमें व्यवहारिक समझ है? आज के डेट में क्या, हमें थ्योरेटिकल नॉलेज तो है पर प्रैक्टिकली हम वनों के प्रति रियलिटी में उतने अवेयर नहीं है। तो हमारे को क्या प्रैक्टिकल एजुकेशन पे भी फोकस करना पड़ेगा। हम आपको अपने जो हमारा एक सिलेबस बना है उसमें जैसे हम आपको ऐसी एक्टिविटीज़ पे फोकस करना पड़ेगा, जैसे कि जिससे मतलब कि एनवायरनमेंट के साथ क्या आदमी क्या डायरेक्टली जुड़ पाए, ऐसे वोकेशनल कोर्सेज या ऐसे कोर्सेज हम आपको इंट्रोड्यूस करने चाहिए, जिससे क्या बच्चा क्या है एनवायरनमेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर पाए। मान लो जैसे कोई ऐसा कोर्स इंट्रोड्यूस कर दो कि एक साल के लिए एक बच्चे को पर्टिकुलर, जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट हो उसको पर्टिकुलर एक एरिया देना चाहिए गवर्नमेंट को, जहाँ पे हम प्लांटेशन वगैरह कर सके, और वहाँ पे जैसे बच्चों को एक प्लांट देना चाहिए, वो उस एक प्लांट को क्या पूरी साल उसकी केयर करेगा, ताकि वो क्या है एक प्रॉपर मतलब व्यवहारिक एजुकेशन पे हमको फोकस देना पड़ना, मात्र ये चीज़ें क्या सिद्धांतिक या कागजों तक सीमित ना रहे। तो मतलब हमें ना एनवायरमेंट के बारे में हमको बल्कि बहुत जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि एक ग्लोबल इशू है आज के डेट में, पर्टिकुलर एक कंट्री पे हम निर्धारित नहीं रह सकते इस पे। तो जैसा कि हमारे को एक टॉपिक दिया गया है कि फॉरेस्ट के बेनिफिट्स या उसके हमारी लाइफ में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, या उसका हमारी अर्थ के संदर्भ में अगर आज के समय में बात करें कि जो क्लाइमेट चेंज का जो इशू चल रहे हैं ग्लोबल स्तर पर, जैसे हम बात करें G20 में, जिसमें एक क्लाइमेट चेंज एक विशेष भूमिका निर्वाह क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक जो विशेष इशू के तौर पर जो उभरा है, और आज के समय में जो जैसे SCO की समिट हो रही है उसमें भी गवर्नमेंट के द्वारा एक मल्टीलैटरल फॉर्म में क्लाइमेट चेंज के जो इशू को रेज किया जा रहा है, ये कंसर्निंग एक आज के समय में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिसके कारण या पोल्यूशन हो रहा है जिसको जो कि ह्यूमन या जो अर्थ है उसकी जो हेल्थ जो एनवायरमेंट है हमारा जो इकोसिस्टम है उसकी हेल्थ पे डायरेक्टली इम्पैक्ट डाल रहा है। तो इससे इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट हम अगर देखें क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग को का मिटिगेट जो थ्रेट्स हैं उनको मिटिगेट करने के लिए, तो उसमें फॉरेस्ट का रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। अगर मैं बात करूं अपने लाइफस्टाइल की, तो मैं जैसे कि अब मैं एक कृषक परिवार से संबंध रखता हूं, तो हम बचपन से ही उस परिवेश में पले बड़े हैं जिसमें ये सिखाया जाता है घर में कि हमें वनों की रक्षा करनी चाहिए, जो कि हमारी जो फसलें हैं या हमारी जो मृदा है उसमें नमी बनाए रखने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो भूमिका निर्वहन जो वन करते हैं। तो वनों की अगर बात करूं हमारे, उसके बाद भी अगर स्कूल की बात करें तो NSS के कैंप्स के माध्यम से हमारे जो टीचर्स थे या जो इन्विजिलेटर्स थे उनके द्वारा हमारे को पेड़ पौधों को उगाने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया जाता था, और हमने NSS के कैंप के माध्यम से काफ़ी जो गाँव में जा कर के लोगों को अवेयर किया कि फॉरेस्ट की क्या भूमिका है, और हमारे द्वारा
फॉरेस्ट को भी, जो पौधे हैं जो उसको रोपित किया गया उसमें भी, और उसके बाद जब हम यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में आए तो उसके बाद वहाँ पर भी स्टूडेंट्स के द्वारा या टीचर्स के द्वारा यही हमारे को ये बातें सिखाने की कोशिश की गई कि फॉरेस्ट का हमारी लाइफ में क्या योगदान है। और जब हम यूनिवर्सिटी में आए तो यूनिवर्सिटी में भी डिपार्टमेंट की ओर से कई बार हम जो पौधारोपण कार्यक्रम में भागीदारी निभाते रहे। जैसे कि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमारे जो जीवन का आधार है वो पांच तत्व है, जिनमें से एक जो है भूमि आती है, और साथ में इसके साथ ही हमारे जो जुड़ती है चीज़ें वो वन है, और इन्हीं के आधार पे ही आगे हमारी जो जीवन शैली है वो आगे बढ़ती जाती है, और इसी में आपस में एक जुड़ाव है। वनों के बगैर अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। जैसा कि हमें स्कूल से ही पढ़ाया जाता है कि जो पेड़ हैं वो जो जहरीली गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह उनको इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को जो है एक्सहेल करते हैं, और उसी के थ्रू जो है हमारी जो जीवन शैली है वो आगे बढ़ रही है। बट आज का टाइम हम देख रहे हैं, जैसा कि हमें अपने आसपास के वातावरण से पता चल रहा है कि कितना हमारे मौसम जो है वो चेंज हो चुका है, तो ये किस वजह से हो रहा है, ये वनों के कटाव की वजह से हो रहा है। तो आज की युवा पीढ़ी को आवश्यकता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और जो वनों के संरक्षण की ओर है ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। तो आज हमने चांदिका प्रयास किया कि वन महोत्सव सप्ताह के दौरान क्या विशेष क्रियाकलाप वन विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर मानव जाति का आधार वन है, वनों के बिना मानव जीवन संभव नहीं। आज यही हमने जाना और समझा, और वन विभाग के प्रयासों को भी जाना। इसके साथ साथ एक भागीदारी जहां आम जनमानस की इस दौरान सुनिश्चित हो सकती है, जहां वनों के संरक्षण और संवर्धन में आम जनमानस की सहभागिता भी सुनिश्चित हो सकती है। इसी के तहत वन महोत्सव सप्ताह की आपको भी ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इस दिशा में हम और आप मिलकर एक प्रयास सुनिश्चित करेंगे।